दोस्तों फूडी एडवेंचर के साथ खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों आज हम आए हैं भजन पाया वाला के यहाँ, जहाँ आपको बढ़िया पाया सूप, टेस्टी कीमा पाव, कीमा कबाब, भेजा मटन, सीख कबाब और बहुत सारे मटन के डिश आपको यहाँ खाने मिलेंगे। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ शाम होते होते सब ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट डे आपको एकदम फ्रेश मटन खाने मिलेगा। ये मटन बन रहा है कस्टमर का। और यहाँ के पाया सूप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, जो मिलता है दोपहर के 1:30 बजे से चालू होता है। और अगर आप शाम को 5 से 6 बजे के पहले यहाँ आएंगे तो आपको पाया सूप डेफिनेटली मिल जाएगा, और अगर आप उसके बाद आते हो तो पाया सूप मोस्टली यहाँ का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स पाया सूप पीने के लिए आते हैं। हाँ, बट इसके अलावा आप यहाँ के मटन डिशेस जो है बाकी के वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये सूखा मटन बन रहा है, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है दोस्तों। इनकी ग्रेवी की स्पेशलिटी है जो कि बहुत टेस्टी है। और दोस्तों इसके मटन की ख़ास बात ये है कि ये शाम होते होते ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि आज का मटन आपको वापस कल खाने मिलेगा, कल आपको नया फ्रेश मटन जो लाएंगे और बनाएंगे वो आपको खाने मिलता है। उसकी वजह से जो पीसेस में जो फ्रेशनेस होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है और टेस्ट कमाल की है। और दोस्तों ये लोकेटेड है थाने ईस्ट में, जो आनंद थिएटर है वहाँ से जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे, स्टेशन से भी ऑलमोस्ट 5 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पे। आप कहीं भी पूछते हैं कि भजन पाया, आप कोई भी एड्रेस बता देगा। हमने कीमा पाव और कीमा कबाब ऑर्डर किया था, उसमें से हमारा अभी ये जो पहली डिश है कीमा वो अभी यहाँ पे बन रहा है। खुशबू तो बहुत औसम आ रही है। दिस इज़ मटन कीमा, मटन कीमा, मटन कीमा कबाब ये हमने ऑर्डर किया था, इसमें से हमारा मटन कीमा अभी बन रहा, ऑलमोस्ट हो गया। और अभी एक कस्टमर की जो बिरयानी है, मटन बिरयानी जो ऑर्डर आई थी, वो यहाँ पे तैयार हो रही है। दोस्तों हमने जो कीमा पाव ऑर्डर किया था वो आ गया है। ये है कीमा, उसके साथ थोड़ा प्याज, नींबू और ये पाव। और उसी के साथ हमने जो कीमा कबाब मंगाया था वो भी आ गया है। ये है कीमा कबाब, तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और आपको बता दें कैसा है। तो दोस्तों कीमा की टेस्ट तो बढ़िया है ही, चलो अभी कीमा कबाब भी टेस्ट करते हैं। ये आप विद पाव या फिर नॉर्मल भी खा सकते हैं डायरेक्टली विदाउट पाव, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ पाव के साथ कैसा है। और सच में कीमा इज़ ऑसम, जो सॉफ्टनेस है कीमा की और जो ग्रेवी भी है उसके साथ वो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों मैं आपसे पक्का रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे आके एक बार कीमा पाव, कीमा कबाब, भेजा मटन सीख कबाब और पाया सूप पक्का ट्राई करना। ये थाने स्टेशन से जस्ट 5 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पे आपको आराम से मिल जाएगा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों इसी के साथ आपसे अगले वीडियो में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।